नमस्कार। गोरखपुर न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी धनतेरस और दीपावली जो 10 और 12 तारीख को मनाया जाएगा उसके लिए जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसमें हम लोग ट्रैफिक लाइट्स रोड अच्छी व्यवस्था का प्रयास कर रहे हैं। बस लोगों से यही अनुरोध है, हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, उसी से मनाएं और सेलिब्रेट करें। हैप्पी दिवाली। और मैं मंडला गोरखपुर जो है अपने सभी जनपद वासियों को जो है दिवाली और छठ पर्व की जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सब लोग जो है अच्छे से त्यौहारों को मनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। सभी लोगों को इस पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आह्वान करता हूं कि पूरे परिवार के साथ, पूरे हर्षोल्लास उमंग के साथ इस त्यौहार को मनाएं। दिवाली के पर्व पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, खरीदारी होती है। पुलिस प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार समस्त तैयारियाँ पूर्ण कर चुका है। हम कंधे से कंधे मिला के नागरिकों के साथ खड़े रहेंगे और उनके त्यौहार में सकुशल संपन्न करने के लिए समस्त प्रकार की व्यवस्था ग्राउंड लेवल पे की करते रहेंगे। गोरखपुर न्यूज़ के माध्यम से आम जनता से अपील करता हूं कि आने वाले दीपावली के त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं, साथ ही साथ सुरक्षा मापदंडों का पूरी तरह से प्रयोग करें, जैसे कि आपके बच्चों में आपको किसी भी प्रकार की जनहानि से बचाया जा सके। साथ ही साथ मद्य निषेध करें और किसी भी प्रकार के अल्कोहलिक या इन सब चीज़ों से दूरी बनाएं। धन्यवाद समस्त जनपद वासियों को आपकी तरफ से। और मैं इस गोरक्षनाथ नगरी में सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि सभी लोग अपने परिवार में सुख शांति के साथ दीपोत्सव का त्यौहार मनाएं और किसी भी हैवी पटाखे वगैरह से अपने को बचा के रखें, कोई जनहानि न हो, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और दीपावली का आनंद से त्यौहार मनाएं। धन्यवाद। देखिए, गोरखपुर न्यूज़ के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से आगामी त्यौहार धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं सभी श्रोताओं को यही कहना चाहता हूं कि पुलिस और प्रशासन का आने वाले दिनों में सहयोग करें, शांतिपूर्वक हर्षोल्लास से सौहार्दपूर्ण माहौल में ये त्यौहार मनाएं। गोरखपुर न्यूज़ चैनल के सभी हमारे दर्शक, सभी हमारे गोरखपुर वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए, ऐसी आशा करते हैं। साथ ही साथ इन त्यौहारों को आप जीरो वेस्ट त्यौहार के रूप में मनाइए। त्यौहारों से अपने जीवन से प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः वर्जित कर दें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना घर में आने दें, ना जो ला रहा है उसको नहीं को त्याग दें और शहर को स्वच्छ रखने में, सुंदर रखने में सहयोग करें। ये त्यौहार न केवल आपके जीवन में बल्कि गोरखपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए भी आप योगदान दें। नगर निगम परिवार की ओर से एक बार फिर से पुनः बहुत बधाई। गोरखपुर के माध्यम से मैं गोरखपुर जनपद वासियों को दिवाली और आगामी त्यौहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मेरी सभी से यही अपील है कि दिवाली को आप सुरक्षित रूप से मनाएं और हर्षोल्लास का रूप से इसको मनाएं। दर्शकों को दिवाली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग क्रैकर फ्री, पर्यावरण फ्रेंडली दिवाली मनाएं और अपने सभी रिलेटिव्स के घर जाएं, निश्चित ही ये मौका यूज़ करें। बहुत ही बड़ा पर्व हम लोगों के लिए होता है। मेरी शुभकामनाएं पुनः सभी लोगों को। गोरखपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं जनपद वासियों को दीपावली पर्व की, छठ पर्व की अनेक शुभकामनाएं देता हूं और एक आग्रह करता हूं कि सुरक्षित दीपावली मनाएं। पटाखों का जब बच्चे पटाखे जलाएं तो उनके साथ रहें, सुरक्षित रूप से दीपावली का हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जब सभी जनपद वासियों को, गोरखपुर न्यूज़ चैनल के सभी श्रोताओं को, सभी लोगों को दीपावली पर्व की और छठ पर्व की अनेक शुभकामनाएँ। गोरखपुर न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों और सभी गोरखपुर जनपद के जनपद वासियों को मैं आगामी धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूं और यह ईश्वर से कामना करता हूं कि यह त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशियां लाए और हर्षोल्लास के साथ आप इस त्यौहार को मनाएं। आपका दिन शुभ हो। सबसे पहले तो मैं सभी गोरखपुर जनपद वासियों को दिवाली, धनतेरस और भैया दूज के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगी कि ये त्योहारों को पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से मनाएं ताकि। मैं एसपी ट्रैफिक गोरखपुर धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर गोरखपुर न्यूज के समस्त दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। जय हिंद। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूँ फरीद अहमद।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की फरियाद को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण करना शासन की उच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी अधिकारी जनता दर्शन में आए समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने कहा यदि कोई माफिया गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जिनको पीएम आवास नहीं मिला है उनको चिन्हित करके आवास की सुविधा उपलब्ध करवाया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसको देखेंगे जमीन बेच रहे हैं दखल को दिए तब हम कहाँ पर इसको देखेंगे कहाँ से हैं कम से कम चार पांच बेरा है उसको एक बार देखने की यहाँ पे कुछ आउटसोर्स में सही कराते हैं तो मोती अब इनका ऑपरेशन फ्री में हो जाता है। ऑपरेशन कराओगे इसको मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहीं कराओगे आए वो तो मोती अब इनका फ्री में होगा। कौन मारे हैं लोग मारे थे बाप को इतने का मामला है आप कहाँ से हैं गोरखपुर का सुनवाई नहीं हो रहा था क्या आपका मामला मऊ में दर्ज है या यहाँ सुनवाल में हजनी का मामला कर आप कहाँ से हैं क्या हो गया मेरी जमीन है जो लोग पक्षी मेरी जमीन मेरा मकान दूसरे लोग बच कर मंगड़ी से कब्जा करेंगे सर मेरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया भाई के द्वारा एक दिया शहीदों के नाम दीपोत्सव एवं देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को दीपावली के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम गोरखनाथ मंदिर के भीम सरोवर पर आयोजित एक दिया शहीदों के नाम के तहत दीपक जलाकर वीर अमर शहीदों को याद किया। उसके बाद पूरे भीम सरोवर पर कुल 11,000 दीपक जलाए गए। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया भाई के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसमें विभिन्न कलाकारों द्वारा अपनी कला का मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन किया गया, जिसमें सबसे आकर्षक राम मंदिर पर आधारित प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बनी रही। इसके अलावा वीर अमर शहीदों के ऊपर भी कलाकारों द्वारा प्रस्तुति की गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीर अमर शहीदों को याद करके भावुक हो गए। ये सभी कार्यक्रम भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नन्हे कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बच्ची ने इस 6 वर्ष की बच्ची ने बहुत रामायण की प्रस्तुति छोटे छोटे बच्चे कितने उत्साहित हैं कि पूज्य महाराज जी के सामने इन्हें तकनीकी समस्या आ गई है तो मेरे बच्चों का उत्साह ऐसे ही बढ़ा हुआ जो सनातन धर्मियों के लिए गर्व का दिन आने वाला है कि राम मंदिर का जो हम अपने
अपनी रचना प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की है। तो आइए हम मनोज मिहिर को बुलाते हैं और कृपा किया है और मेरे राम जी ने स्वयं कृपा की, हमारे नायक महाराज जी बैठे हैं और हम सबके नायक हमारे प्रभु माने हर गई।
नहीं जो डगर से अपने शेर गुमानी झंडे